हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में प्रैक्टिस 1.3 प्रैक्टिस में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके 3 टाइप्स सॉल्व किए थे। आज इसका नेक्स्ट टाइप फोर्थ, मल्टी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन में नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेक्शन में अभी तक हमने 2 इंटीजर्स लिए थे, इस प्रॉपर्टी में कितने इंटीजर्स? 3। तो इफ एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी, कितने इंटीजर्स? 3 इंटीजर्स को सॉल्व मल्टीप्लाई किस प्रकार, देखिए a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी ब्रैकेट क्लॉज इंटू सी, a इंटू बी इंटू ब्रैकेट क्लॉज इंटू सी को वेरीफाई करना है LHS एंड LHS से इक्वल है या यस या नो में। तो एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं इसको। 7 इंटू माइनस 8, 7 माइनस 8 इंटू 7 इंटू माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इक्वल 7 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट क्लॉज को वेरीफाई करना है LHS एंड RHS से, दोनों वैल्यू इक्वल करनी है। तो सबसे पहले सॉल्व में क्या करोगे? LHS तो 7 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 3 इक्वल, सबसे पहले कंडीशन हम बॉडमास नियम में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 7 इंटू 8, 7 जा 56, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये क्या है नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, तो माइनस के 56 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3। तो सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन प्लस का आएगा तो 56 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 कैरी 16, आंसर क्या है 168 RHS। नेक्स्ट क्या है? RHS 7 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 3, तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 3 24, और 7 का मल्टीप्लाई 24 से कीजिए, 7 फोर जा 28 कैरी 2, 7 टू जा 14 और कैरी 2 16, पॉजिटिव आंसर। तो दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल। तो LHS इक्वल RHS, या फिर कह सकते हैं 7 इंटू माइनस 8
इंटू माइनस थ्री इक्वल है सेवन इंटू माइनस एट इंटू माइनस थ्री। क्लियर बेटे? तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फोर्थ आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट है फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन भी करना है, या तो एडिशन होगा उसके साथ या सब्ट्रैक्शन। वहीं इफ एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी तो a इंटू बी प्लस सी। तो फर्स्ट है अपने पास a इंटू बी प्लस सी। तो क्या होगा इसका, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a इंटू बी प्लस साइन प्लस का a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो a इंटू सी टू सी। सेकेंड है अपने पास a इंटू बी माइनस सी, तो a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। टू प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक बार तो एडिशन के साथ और एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई। तो वेरीफाई करना है हमें एग्जांपल के थ्रू, प्रूव करना है यस या नो में। तो एग्जाम्पल में वेरीफाई करना है थ्री इंटू सिक्स प्लस टेन क्वल थ्री इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू टेन। थ्री इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू टेन को सॉल्व कीजिए, वही LHS। तो थ्री इंटू सिक्स प्लस टेन इक्वल, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन इक्वल टू एटीन फोर्टी एट सॉरी सिक्सटीन का मल्टीप्लाई थ्री से किया तो फोर्टी एट। RHS थ्री इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू टेन सॉल्व कीजिए, सिक्स का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो एटीन प्लस टेन का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो थर्टी, एटीन प्लस थर्टी फोर्टी एट, दोनों वैल्यू कैसे आई हैं इक्वल। तो LHS इक्वल RHS, तो LHS इक्वल RHS। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी है, कंप्लीट आपकी।
यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी, अभी तक तो आपने मल्टीप्लेक्शन सॉल्व किया था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन। तो डिवीजन प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टेक योर, थैंक यू।